सभी आगंतुकों से निवेदन है कि वे उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। स्वतंत्रता दिवस के 78वें हर्षोल्लास और उत्सव पर माननीय कुलपति महोदय, सभी पधारे हुए आगंतुकों, नन्हे मुन्ने साथियों, छात्र छात्राओं और प्राध्यापकों का स्वर्णिम स्वागत और अभिनंदन है। माननीय कुलपति महोदय, राष्ट्रीय ध्वज और उसकी पताका को फहराने की तरफ मुखर होते हुए सभी से अनुरोध है कि वे अभिनंदन करें। स्वर्णिम आजादी के आजाद प्रांगण और आजादी के इस उत्सव पर सभी का पुनः अभिनंदन और स्वागत।
वह एक महत्वपूर्ण दिन था, एक ऐसा हमारे नेता और हमारे लोगों की अटूट भावना ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। हम 1857 से भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध को हमेशा याद करते हैं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, चाचा टोपे, नाना साहेब पेशवा जैसे नायकों को ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध की चिंगारी उन्होंने प्रज्वलित की। इस स्वतंत्रता के समर के एक अधिक संगठित और दृढ़ स्वतंत्रता आंदोलन की नींव उस आंदोलन में रखी थी। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं और आंदोलन का उदय हुआ जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को आकार दिया। बाल गंगाधर तिलक हो, विनायक दामोदर सावरकर हो, मोहनदास करमचंद गांधी जी हो, सरदार पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू, बिपिन चंद्र पाल और कई अन्य लोगों ने इस देश के लाखों लोगों को प्रेरित किया और इस राष्ट्र के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन के अपने आह्वान के साथ स्वतंत्रता आंदोलन को एक अलग आयाम प्रदान किया। उनका नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये पीढ़ियों से पीढ़ियों तक प्रेरित करता आया है। महिलाओं ने अपने साहस, नेतृत्व और समर्पण के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके योगदान को भारत के इतिहास के अभिन्न अंग के रूप में याद किया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता समर से सबसे शुरुआती महिला हस्तियों में से एक साहस और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। सरोजिनी नायडू, अनिता असफ अली, विजयालक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। भारत के युवा और छात्र हमेशा परिवर्तन और क्रांति में सबसे आगे रहे हैं। स्वतंत्रता लाल डिंगरा, वंचिनाथन, अल्लूरी सीताराम राजु जैसे युवा नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी हमने देखी है। इन क्रांतिकारियों को हुतात्मा के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम बलिदान दिया और आने वाले लाखों लाखों लोगों को, पीढ़ियों को प्रेरित भी किया। युवा अवस्था में उनका बलिदान हमें राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में युवाओं की शक्ति को याद दिलाता है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में हमें इन महान नेताओं की विरासत को बनाए रखना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी शिक्षा केवल एक विशेष अधिकार नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमें अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग राष्ट्र के प्रगति में योगदान करने और आज हमारे सामने आने वाले चुनौतियों का समाधान करने के लिए करना चाहिए। स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है, ये सोचने, व्यक्त करने और गरिमा के साथ जीने की भी स्वतंत्रता है। ये सपने देखने और बेहतर कल की दिशा में काम करने की स्वतंत्रता है। जब हम उन स्वतंत्रताओं का आनंद उठा रहे हैं जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने ये लड़ाई लड़ी थी, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि महान स्वतंत्रता के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी अपने सर पर है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, आशा और प्रगति की किरण के रूप में खड़ा है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हमारी उपलब्धियां, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में हमारी प्रगति तथा सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सराहनीय है। हमने अंतरिक्ष अन्वेषण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और इनोवेटर्स वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। इस महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम उन मूल्यों को बनाए रखें
जिनके लिए हमारा देश आज खड़ा है। हमें अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए, राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए, एक ऐसे समाज के लिए काम करना चाहिए जो समावेशी और न्याय संगत हो। हमें ईमानदारी, अखंडता और कड़ी मेहनत के सिद्धांतों को अपना चाहिए। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन परिवर्तन के प्रमुख चालक है। डिजिटल क्रांति ने हमारे जीने, काम करने और संवाद करने का तरीका ही बदल दिया है। भारत आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल लिटरेसी में बढ़ते जोर के साथ एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। जब हम अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हैं तो हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी याद रखना चाहिए। हमारी समृद्ध प्राकृतिक विरासत, हिमालय से लेकर शांत समुद्र तटों तक, हरे भरे जंगलों से लेकर वन्य जीवन तक गर्व और जीविका का स्रोत है। हम पर्यावरण के लिए अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने, संरक्षण प्रयासों में भाग लेने और पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। कचरे को कम करें, जल संरक्षण और पेड़ लगाने जैसे छोटे कार्य सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिकों के रूप में हमारे पास हमारे देश के नागरिक जीवन में भाग लेने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मतदान करना, सामूहिक सेवा में शामिल होना, राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में सूचित रहना, ऐसे तरीके हैं जिनसे हम योगदान कर सकते हैं। नागरिक जिम्मेदारी का अर्थ कानून के शासन का सम्मान करना, न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखना भी है। नैतिक आचरण हमारे राष्ट्र की अखंडता के लिए मौलिक है। भ्रष्टाचार, बेईमानी और अनैतिक व्यवहार हमारे देश की प्रगति को कमजोर करते हैं। हमें अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में नैतिक होने का प्रयास करना चाहिए, दूसरे के अनुकरण के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। यह व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, समाज को बदलता है और आर्थिक विकास को गति भी देता है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो उन्हें ज्ञान और कौशल के साथ मजबूत भी करेगा। However, education is not just academic achievement. It is about holistic development. It is about nurturing critical thinking, creativity, emotional intelligence. It is about developing a sense of responsibility, empathy, and global citizenship. We must use our education to make a positive impact on society, whether we become scientists, engineers, doctors, teachers, architects, professional developers, entrepreneurs, we must contribute to the betterment of our nation and ultimately the world. India has made a remarkable progress in last few years. I am not talking about the last 50 years, but I am just talking about last few years. Indian MSME created over 20.5 crores of jobs in last 4 years. 39% of MSME in the country are now owned by women. India has 1,40,000 recognized startups, which generates 15.5 lakhs of jobs. Employment in India rose by 35% and today it reached to the 64.33 crores over last 6 fiscal years. From 2017 to 23, manufacturing sector has generated 85 lakh employment opportunities. India's export reached to the $2.12 billion, which is 5.5% higher than that of last year, and it has resulted the trade surplus of 300 million, which is first time taking place in the history of this country. In June, India exported electronics goods of $2.82 billion. You know, earlier, few years back, we were importing lot of electronic equipments, TV, watches, mobiles, etc.,
but today we are exporting those items. In first quarter of financial year 24-25, export of made in India Apple iPhone reached to the $3.8 billion, which is 79% of India's freight on board value. India's trade deficit has narrowed down to the $20.98 billion from $23.78 billion. Indian companies have raised 32,600 crores from overseas bond. This is the investment from the foreign companies and foreign investors in 2024. Foreign portfolio investment infused, that means investment in the share markets, has reached to the more than 30,000 crores into the Indian markets. This indicates the trust of foreign investors on Indian market. Digital payment market is reached to the 28.4 trillion, which is more than 11% that of last year. This year, about 6 crore people have filed their ITRs. This is a tremendous increment in this one. Domestic air passengers traffic reached to the 13.2 million in June 2024 from 12.4 million that of last year. Automobile retail sales rose to the 9%. So this way, India is making remarkable progress in this its life. Central University of Rajasthan has also been seen significant progress in the last 2 years, particularly in infrastructure, academics, and research. As you all know, Shivraj has secured A++ grade from NAC, underscoring its academic excellence, as well as it has got category 1 status. Within 2 minutes, I will finish. University is expanding its campus facilities, including new hostels for SCST students, 2 new hostels for 600 capacity, 2 new mess, building for library, indoor sports complex, and building for these students, that is the KV building also, and working women hostel. From June 2023 to June 24, we have received a grant of 23.47 crores for research and innovations. We have recruited more than 60 teachers in last 2 years. Additionally, university is starting new programs such as neuroscience, medical lab technology, etc. 700 watt solar power plant in association with NHPC started power generation from yesterday, which will save more than 60 lakh per year. I'm sorry for this. Pargiye shashan ki chhaya se swatantrata ki subah tak Bharat ki yatra भावना बलिदान और अटूट की आशा की कहानी है अटूट आशा की कहानी है हमारे पूर्वजों ने अपनी ताकत से आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी न केवल स्वतंत्रता के लिए बल्कि ऐसे भविष्य के लिए जहां हर भारतीय अपना सिर ऊंचा कर सके आज हम उस दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र से एक सांस्कृतिक विविधता और नवाचार का एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े हैं हमें याद रखना चाहिए कि आगे बढ़ाने वाला हर कदम हमारे पूर्वजों के सपने के लिए श्रद्धांजलि है हमारी प्रगति केवल आर्थिक विकास या तकनीकी की प्रगति के में मापी नहीं है बल्कि उस दृष्टिकोण की प्राप्ति में भी मापी जाती है जिसे हमारे पूर्वजों ने सोचा था ऐसा एक राष्ट्र जहां एकता शांति और समृद्धि प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है जैसा कि हम इन महान राष्ट्र का निर्माण करना जारी रखते हैं आइए हम सुनिश्चित करें हमारे पूर्वजों की विरासत का सम्मान करें स्वतंत्रता का प्रकाश हमेशा उज्जवल रहे जिस भारत का उन्होंने सपना देखा था वो भारत बन जाए और भविष्य की पीढ़ियों को हम सौंपे जैसे जैसे हम प्रगति करते जा रहे हैं आइए हम अपने उद्देश्य में एकजुट रहे उन मूल्यों से प्रेरित हो जो हमें एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हैं हम सब मिलकर ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां हर भारतीय कामयाब हो सकता है जहां हमारी विविधता हमारी ताकत है जहां हमारे सपने हमारे अधिक ऊंचाई की ओर ले जाएंगे आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है लेकिन स्पिरिट ऑफ रेजिलेंस
एंड एकता की भावना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। अंत में मेरे भाषण को विराम देते हुए मैं राम प्रसाद बिस्मिल, जो एक महान क्रांतिकारी थे और प्रतिभावंत कवि भी, अंत में अपने वाणी को विराम देने से समय मैं राम प्रसाद बिस्मिल जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल जी, आप सबको मालूम है, एक महान क्रांतिकारी थे, लेकिन उसके साथ साथ वो एक प्रतिभावान कवि भी थे। वो अपने हृदय से अपने मातृभूमि के बारे में लिखते हैं। वो लिखते हैं, ये मातृभूमि तेरा जय हो, ये मातृभूमि तेरा सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति और कांतिमय हो, हे मातृभूमि तेरी जय हो, हे मातृभूमि तेरा विजय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभाव उदय हो, हे मातृभूमि तेरी सदा विजय हो, हे मातृभूमि तेरा सदा जय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, हे मातृभूमि तेरी जय हो, हे मातृभूमि तेरा सदा विजय हो। वो भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वो शक्ति दे कि दुख में ये कायर न ये हृदय हो, हे मातृभूमि तेरा सदा विजय हो, हे मातृभूमि तेरी सदा जय हो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय जी, आपने आज स्वतंत्रता दिवस और इस स्वर्णिम आजादी में प्राणों को और जीवन को समर्पित करने वाले सभी बलिदानियों, वीरों, वीरांगनाओं और देश के नेताओं का स्मरण किया और निसंदेह उनकी भागीदारी चिरकाल तक, युगों युगों तक हिंदुस्तानियों के दिलों में जीवंत रहेगी। और आजादी तो बलिदान मांगती है, ये स्वतंत्रता समर्पण चाहती है, और शायद इसीलिए आज हम सबकी इस जमजमाती बारिश में भी उपस्थिति इस आजादी को समर्पण है, इस मातृभूमि को नमस्कार है। सुमन चल गया तो क्या महक खुशकी अभी बाकी है, इस तरह मरना इस तरह जीना सबकी किस्मत नहीं होती। शायद इसीलिए आज राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने आजादी के मतवालों की इस एग्जीबिशन का आयोजन किया है। तो इस स्वर्णिम अवसर के पश्चात में सभी आगंतुकों, नन्हे मुन्ने साथियों, छात्र छात्राओं, अतिथियों को निवेदन करती हूं कि वे आजादी के मतवाले की एग्जीबिशन का जरूर भ्रमण करें और हमारे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करें। इसके पश्चात हमारे एक और कार्यक्रम है जो कि 10 बजे से प्रारंभ होगा और वो है पौधारोपण का। तो एक पेड़ मातृभूमि के नाम, हमारी माँ के नाम, 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर स्वतंत्रता और स्वतंत्र देश की इस मिट्टी को समर्पण देते हुए अपनी देशभक्ति के उद्गारों को व्यक्त करते हुए मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि वे वहां पहुंचकर पौधारोपण कर मातृभूमि में समर्पित करें खुद को। आज इस 78वें स्वर्णिम अवसर के स्वतंत्र दिवस की शुभ बेला और इस कार्यक्रम का आयोजन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, आजादी को सलाम। 78 स्वतंत्रता दिवस की पुनः पुनः अभिनंदन के साथ आप सबको धन्यवाद। प्रिंसिपल सर, सभी से निवेदन है कि वे आजादी के मतवाले एग्जीबिशन की तरफ प्रस्थान